बोकारो भाजपा विधायक विरंची नारायण और बोकारो इस्पात के नगर सेवा विभाग के सहायक महाप्रबंधक अजीत कुमार के बीच हुए बवाल अब थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां एजीएम ने विधायक और उसके कार्यकर्ताओं पर पिटाई का आरोप लगाया और इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती होकर इलाजरत है, वहीं विधायक ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि इस तरह का आरोप बेबुनियाद और झूठा है, लेकिन अब मामला थाने तक पहुंच गया है। नहीं दिया गया है, उसके बावजूद भी इन लोगों का कंस्ट्रक्शन किया शुरू किया गया है। उसी को रोकने के लिए मना किए कि भाई इसको आप बिना पछुए परमिशन नहीं है, बीएसएल की जमीन है, इस पर किसी प्रकार का बिना परमिशन का कंस्ट्रक्शन करना अवैध है, उसको काम को रोक देने की सलाह दी है। इसी बीच उनका कॉन्ट्रैक्टर बोला कि हम बिना रहिए, विधायक जी आ रहे हैं, और विधायक जी इमीडिएटली एक मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर आए और उनके पीछे पीछे कई दर्जन जो समर्थक आए वही आते हैं, उनको बद्दी बद्दी गाली देने लगे और विधायक जी द्वारा खुद मारपीट से। आपने ऐसा करवाया, आपको कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? तो आप इसकी जांच करवाएंगे? निश्चित रूप से, मैंने डीसी बोकारो से आग्रह किया है कि इसकी जांच कराएं, मैं आज एसपी बोकारो से भी मिला हूं कि इसकी जांच कराएं और जो भी दोषी है एजीएम और विशेष करके जो जीएम विभाकर सिंह है जिनके सारे पर सारा काम हो रहा है, लगभग तीन चार महीने जब से आए हैं इनको ये नहीं दिख रहा है कि कौन बड़ा बड़ा शोरूम जहां से लाखों रुपए वसूलते हैं और जो इनको पैसा देता है वहां ये चुप रहते हैं। आप जाके देख लीजिए जो सेक्टर 4 में बड़े बड़े शोरूम है, अभी पिछले दिनों ऐसे ही जो हुंडई शोरूम है उनके जो मालिक है रविंदर सिंह जी, उनको भी डिस्टर्ब करने का काम किया। उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने जीएमटीएस से बात किया कि अगर अवैध है तो सारा तोड़िए, सिर्फ एक को टारगेट करके आप क्यों तोड़ रहे हैं। बोकारो से चुरामन ठाकुर की रिपोर्ट।